असलम दोस्तों, कैसे आप? स्वामी को तो ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज ना मैं आपको अपना बर्ड्स का केज अंदर से दिखाने जा रहा हूँ। पिछली बार मैंने आपको सिर्फ बताया था कि क्या क्या परिंदे आए हैं और क्या क्या हुआ है, तो आज मैं आपको अंदर से जाके एक बार दिखाता हूँ कि क्या क्या कैसे है और कौन कौन सा नया परिंदा आपको। तो मैंने दिखाया तो नहीं है ना कि कौन कौन सा नया तोता, कौन सा नया नहीं है, बाकी पता तो चल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार अपनी तरफ से बता देता हूँ। तो मैं अभी अंदर चलता हूँ और पहले वीडियो स्टॉप करके मैं अंदर जाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं अंदर आ चुका हूँ और ना अब आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये देखें, ओए भाई साहब, ये देख सारे तोते कितने प्यारे लग रहे हैं, उड़ते हुए मेरे सर के ऊपर से उड़ उड़ के जा रहे हैं सारे परिंदे। और यहाँ पे डव्स तो मैं करी से दिखा दूँ आपको, और डायमंड डव्स वो देखें पीछे हमारे, ये पेयर कन्फर्म पेयर है, उसका मेल वो पीछे बैठा हुआ है, वो नीचे बैठा हुआ है, और कुछ तोते मेरे सर पे आके बैठ रहे हैं, ऊपर इस तरफ बैठ रहे हैं मेरे पीछे। जब मैं अंदर आता हूँ ना, तो वापस बाहर जाना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि ना यार सारे परिंदे बहुत ज़्यादा उड़ रहे होते हैं, और जैसे जैसे अभी उड़ रहे हैं ना वैसे सारे उड़ रहे होते हैं। और जब दरवाजा खोल के इधर से बाहर जाना, इस एक चीज़ का डर रहता है कि मैं दरवाजा खोल के निकल रहा हूँ, पता नहीं इनको क्या हो गया अचानक से, मैं दरवाजा खोल के निकल रहा हूँ और अचानक से पीछे से कोई परिंदा निकल जाए, तो ये एक चीज़ का डर ये है। थोड़ा सा इसका नुकसान भी है, जब सुबह करते वक्त थोड़ा सा मसला होता है इसका दरवाज़ा छोटा है ना वजह से। और ये देखें, ये एक नया तोता ये वाला माशाल्लाह, ये तोती और ये सेम है, दो पेयर हम लाए थे, और इसके साथ का भी एक था जो मर गया था, मैंने उनको बताया था कि वो तो नहीं अचानक से क्या हुआ, वो फ़ौरन से ही मर गया था। और उससे पहले हम लाए थे ये दो दो ऊपर पीछे जो बैठे हैं, वो पीछे वाले दो, वो और कौन से थे मुझे खुद भी सही तरीके से याद नहीं है कौन कौन से थे, क्योंकि पिछले से पिछले बारे में, बल्कि ऊपर जो तीन बैठे हैं ये तीन और एक और इधर कहीं था, इनमें से एक है, इनमें से कोई ये नहीं, बल्कि ये नीचे वाला है, बल्कि ऊपर चार बैठे हैं सारे, ये हम नए लाए थे, और हमारी एक पेयर इधर है। आपको लग रहा होगा कि अकेला है, ये अकेला नहीं है, इसका साथ इसकी फीमेल है जो अभी एग्ज लेकर के आराम से अपने एग्स की इंक्यूबेशन कर रही है, और उसके बच्चे इंशाल्लाह हो सकता है निकल में, मैंने गौर नहीं किया, बहुत कम बार आती है इसका, क्योंकि इनको अलादा करने का केस का मकसद मेन ये था कि ये हमारा मेन पेयर जो ब्रीडिंग करता है, बाकी पेयर तो नहीं है, बाकी बच्चे हैं और कुछ नए लाए हैं, तो ये बच्चे अब एडल्ट हो चुके हैं, तो इनको भी पेयर बनाने थे इनके, और इस एक केज में इतने सारे परिंदे आ नहीं सकते। तो दूसरी वजह ये थी कि एक बड़ी स्पेस ये थी जिधर तोतों के साथ और परिंदे भी हो सके, जैसे आप डव्स देख रहे हैं, डायमंड डव्स और कुछ और, इनको तो हमने रखा हुआ टेम्परेरी इधर रखा हुआ है, इसको सेट कर दूँगा। और ये स्टिक्स लगे हुए हैं यहाँ पर, ये काफ़ी प्यारे लगते हैं बैठे हुए, मैं इसको सेट कर दूँ। तो वहाँ पे हमारी डायमंड डव्स बैठी हैं, और ये हमारे कबूतर का बच्चा माशाल्लाह तो काफ़ी बड़ा हो चुका है, पता नहीं यार इसकी ना एक टांग में कुछ थोड़ा सा मसला है इसको, चल किसी ने मारा भी नहीं है, और ये जैसे पैदा होना कुदरती इसके साथ ये मसला है कि ये सही तरीके से चल नहीं सकता, उड़ सकता, बाकी खा भी सकता, पी भी सकता, सब कुछ सही है, बस ये चल नहीं सकता सही, थोड़ा लड़खड़ा कर चलता है ये थोड़ा सा, बाकी और कोई मसला नहीं है। और मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ हमारी तोती, मैंने खुद भी काफ़ी टाइम से नहीं देखी, तो मैं आपको दिखा दूँगी, यहाँ पर अंदर है, आपको नज़र नहीं आ रही होगी, इधर से अब अंदर बैठी हुई है वो, शायद आपको सही तरीके से नज़र ना आए, और वो अपने अंडों की इंक्यूबेशन कर रही है, तो उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते यार, क्योंकि आपको पता है अगर एग्स देखो ना तोतों के, तो ये अंडे पार फेंक देते हैं और फिर बच्चे नहीं निकलते, अब बच्चे भी निकलने वाले, तो इस वक्त हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। और मैं आपको अपने लक्कों के कबूतर का पेयर ये देखें माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, बहुत क्यूट से हैं यार, ये देखें खूबसूरती देखें इनकी, बहुत मासूम से हैं यार, बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। और ये परिंदे थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे हैं मेरी वजह से, अंदर मैं बैठा हूँ तो डर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो मैं बाहर चला जाता हूँ, मेरे पीछे आके बैठ गया है माशाल्लाह से, ये सारे परिंदे इधर बैठे हैं, और इनकी मटकियाँ भी बहुत जल्द ना हम लगा देंगे यार, थोड़ी सी ना उसके लिए हमें ना की लगा के ना उस तार से हम इसको इधर सारे लगा देंगे, चार मटकियाँ। और मैंने सोचा था कि बॉक्स लेते हैं, बॉक्स लेंगे इंशाल्लाह, तो बॉक्स लगाएंगे इधर, बॉक्स मुझे शौक है यार कि बॉक्स लगने चाहिए इधर, ताकि बहुत ज़्यादा प्यारा लगे, एक तीन मटकियाँ हो जाए और नीचे तीन बॉक्स आ जाए, जिसका जिस परिंदे का दिल करे जाने का इसके अंदर, तो वो जाके अपना खुद गौंजा घर बनाना है उसने, या मटकी में उसने बच्चे देने, उनकी मर्ज़ी हो जो सा उन्होंने घर चूज़ करना वो कर सके। तो मैं बाहर चला जाता हूँ, कोई परिंदा इधर बैठा तो नहीं, तो बाहर निकलने का मौका बिल्कुल सही है, तो मैं बाहर चल के आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों, मैं बाहर आ गई हूँ, अब मैंने आपको बता देते हैं एक और चीज़, हम ना ये केज अभी थोड़ा सा इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि यहाँ पे ना आप देखें मिट्टी है, और आपको पता है कि मुर्गों को मिट्टी में खेलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो हम ना जैसे अभी एक प्लेयर है ना, इसको निकाल के हम इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये मिट्टी में खेलेगा थोड़ी देर, फिर हम इसको उसको वापस अपनी जगह पर शिफ्ट कर देंगे, और इसको निकाल के फिर हम इधर छोड़ देंगे, क्योंकि आपको पता है मुर्गा मुर्गा एक साथ रह नहीं सकते,
तो बहुत कम होता है ऐसा, अगर बचपन से रखो तो फिर जाके ऐसे होते हैं, नहीं तो फिर लड़ा के कोई ना कोई हल निकलता है, या एक आधा मर जाता है या फिर एक आधा बहुत जख्मी हो जाता है, उसके बाद फिर वो सेट हो जाते हैं, उसे डरने लग जाता है और फिर हमेशा इसका रोब रहेगा, जो उसे जीतेगा ना उसका हमेशा रोब रहता है। जैसे मुर्गियों में होता है, बड़ी मुर्गी होती है एक छोटी मुर्गी होती है, जो फिर ये लड़ती है आपस में, फिर जो छोटी होती है वो डरती रहती है और बड़ी वाली उस पर हमेशा जुल्म करती रहती है। तो ऐसा मैं चाहता नहीं हूँ कि यार ऐसा हो, ऐसे परिंदे ना ऐसे आराम से एक साथ रहने चाहिए, कोई एक दूसरे को कुछ ना कहे, आराम से मिल के खाएँ, ऐसा हो नहीं सकता। काश ऐसा होता कि अपने सारे परिंदे एक साथ रहें और किसी को मारे ना, आपस में खाएं, और वो परिंदे मुझे कभी कभी उन पर गुस्सा आता है जो बिला वजह किसी दूसरे परिंदे को ना मार रहे होते हैं। जैसे हमारा एक डव है ना, तो जिसके दूसरे साथ था ना, उसको बिला वजह मारता था, तो नीचे खाना खाने आता था, तो एक दो बारी मैंने उसे अलहदा भी किया है और उस पर काफ़ी ज़्यादा मुझे गुस्सा आता था कि यार ऐसा क्यों करता है। तो अब वो दो डव और आने के साथ बाद ना थोड़ा सा सेट हो चुका है, वो इतना इतना तंग नहीं करता बाकी को, एक मतलब ये है कि एक बाकी परिंदे उसको तंग नहीं करता इतना, उसको खाना खाने देते हैं। पहले तो ये नीचे खाना खाने भी नहीं आने देता था इसको, पहली बार जब मैंने इसको शिफ्ट किया था ना, पहली पहली बारी तो रात को जब शिफ्ट किया था शाम को, और अगले दिन जब हम वापस आए थे ना, तो इसने उसका सर फाड़ दिया था, खून खून हुआ हुआ था, ये इतना ही इसने मारा था, पता नहीं इसको क्या। तो जब इधर से कबूतर का बच्चे को हमने निकाल के उधर शिफ्ट किया था उसके केज में, तो कबूतर का बच्चा छोटा था तो इसे ये मारता था, लेकिन अब वो बड़ा हो चुका है और ये उसके करीब ही नहीं जाता, अब करीब जाता तो वो उसे मारता है, अपना बदला उसने ले लिया काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पे हमारे कबूतर, इसके ना मैंने एग देखा था यार, इसका एक अंडा ना टूट गया था, पता नहीं क्या यार जोर आया, पता नहीं ऐसे ही कुछ टूटा है इसका अंडा। तो कोई बात नहीं, अब एक अंडा है, हो सकता है इसी से बच्चा निकला है, और अगली बार ना अगर इसका बच्चे नहीं निकलते तो हमने यार इस केज को साफ करना, ताकि ब्रीड ये सही तरीके से कर सके, सेटिंग्स नहीं है इधर, और इधर पता नहीं कोई चीज़ तो है जो उनके अंडे ले जाती है यार, कुछ तो है, नहीं तो वरना ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे कोई चीज़ तो है जो इनके अंडे ख़राब कर देते, नहीं तो ये इतने सारे बच्चे दे रहे हैं यार, अंडे दे रहे हैं तो उनके बच्चे तो निकलना ज़रूरी था, हर बार ही अंडे ख़राब नहीं होने चाहिए, तो ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है। लेकिन अब देखते हैं इससे निकलते हैं निकलते हैं, हालांकि इनका ही लेके जाते हैं, इसका नहीं लेके जाते, पता नहीं कौन सा हो सकता है, ये इतना ख्याल नहीं रखते, कुछ समझ नहीं आती इस बात की, इसका ये ख्याल नहीं रखते, ये ख्याल रखते हैं, ऐसा थोड़ी ना होना है। बाकी हमने ना अभी इसके लिए एक मेल लेना है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएगा इसके लिए एक मेल, और इनकी पेयरिंग रहते हैं, इसके लिए भी एक मेला लाना है उसको, यार इसको किसी को दे देंगे हम, ये अभी हमारे काम का कबूतर नहीं है ये वाला, क्योंकि इधर मैंने रखने सारे फैंसी कबूतर, मतलब कि शिराजी कबूतर रखने हैं सारे, इस ब्रीड के रखने हैं, शिराजी हो जाए, वाइट हो जाए, ऐसे वाले कबूतर रखने हैं, ऐसे ये तो हाई फ्लाइट टाइप है ना, जो उड़ते अब्बाजी वाला कबूतर है, तो इसलिए इसको नहीं रखना, ये किसी को दे देंगे, अगर किसी का हो जो रखते होंगे बाजी वाला उस किसी को दे देंगे, लेकिन अभी तो इसको अभी तो ये इधर ही है। और इसको ये एक मसला एक और ये भी है इसके साथ, तो वो तो अलग बात है कि ये दूसरा कबूतर है, और दूसरा मसला ये है कि इसने ना एक हमारी लकी कबूतरी से ना इसने पेयर लगाया हुआ है, और जब भी अगर हम उसको इधर शिफ्ट करेंगे ना, आखिर तो इधर ही कर रहा है, छोटे गेज में तो इतना टाइम नहीं रख सकते, तो जब भी हम इसे इधर शिफ्ट करेंगे ना, वो वापस इसके साथ पेयर लगा लेगी, तो इसका जाना इधर से ज़रूरी है, या फिर इसको दे देंगे या फिर किसी इसको सेल कर देंगे। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाजम लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल लाइव विद बर्ड्स को लाजम सब्सक्राइब कर देगा। मेरे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाज़त है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।